अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए, सेहरी के टाइम उठ गई हूँ मैं, ये चाय चढ़ा दी हूँ। चाय के बगैर तो सेहरी नहीं होगी, क्योंकि चाय कड़क पाओ ऐसा सा खाते नरम पाओ। ये देखिए दूध रख रही, चाय खोल गया है, 4:30 हो रहा है अभी। ये देखिए चाय को पका लेते अच्छे से। ये पाँव में मस्का लगा रही, बच्चे लोग यही खाते हैं, रोटी वगैरह बनाती हूँ तो नहीं खाते, इसके लिए पाँव ही मस्का लगा के दे देती, बच्चे लोग खा लेते हैं चाय पाँव। ये देखिए मस्का लगा रही हूँ, बच्चे लोग खा लेंगे अभी, क्योंकि रोज़ा रहना है। ये देखिए निकाल दी हूँ चाय पाओ, अभी खाते हैं हम लोग। ये देखिए चलिए, ये सेहरी हो चुकी है, चाय भी ख़त्म हो गया है, अभी सब एक तरफ रख के जाके सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के देखेंगे क्या करना है। ये देखिए ये दोपहर के टाइम का टाइम है। ये देखिए ये काम था मैं कर ली, अभी चना जारी चढ़ाने। आप लोग को भी जुम्मा मुबारक हो, आज जुम्मा है। ये टैंक बना के रख रही हूँ शाम के अफ्तारी के लिए, जब तक रख दूँगी फ्रिज में ठंडा हो जाएगा थोड़ा देर। ये देखिए इसमें पानी रख के रख दे रही हूँ। चलिए अभी चना चढ़ाते हैं, 5 बजने वाला है। ये देखिए चना चढ़ा रही हूँ मैं, गर्म हो जाएगा तो प्याज डालेंगे इसके अंदर। प्याज रख काट के मैं उसके अंदर तेल रखेंगे। इसमें तेल रख के फिर भूनेंगे प्याज को अच्छे से। ये 2-3 हरी मिर्ची भी मैं काट के डाल दूंगी इसके अंदर। देखिए हरी मिर्ची काट दी, 2-3 हरी मिर्ची भी डाल दी इसके अंदर। ये लाल हो गया है इसके अंदर, रख देते हैं। ऊपर से प्याज काट के भी डाल दी चने में, इसके अंदर मसाला रखेंगे। उसको मिला लेते फिर मसाला डालेंगे इसके अंदर। ये हल्दी डाली मैंने 1/2 चम्मच, ये चिली फ्लेक्स डाल दी, ये काली मिर्च जीरे की बुट्टी, ये धनिया की बुट्टी। ये देखिए नमक रखे, को मिला के फिर पानी रख देंगे गलने के लिए। ये देखिए पानी गल के ढक देंगे, देखिए गल जाए जितना पानी रख देंगे इसके अंदर। ये देखिए इसको ढक देंगे गलने के लिए। चलिए जब तक दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए पानी यहाँ पर सूख चुका है, गल भी गया है। ये देखिए इसको चलाएंगे अच्छे से, थोड़ा सा पानी था और पानी सूख गया। ये देखिए सूख गया थोड़ा पानी, चलिए इसको गैस को बंद कर देते हैं। फिर इसको चीज की तैयारी करते हैं, भेजे की बंद कर दे रही, फिर भेजे की तैयारी कर रही हूँ। चलिए ये आलू का भुजिया बनाऊँगी, ये कांदा का भुजिया है, ये हरे कांदा, और मैं दाल पीस के चना का दाल पीस के बना रही हूँ।
तेल गर्म हो गया, इसको फ्राई कर लेंगे भुजिया को। ये हरे कांदे की भुजिया है, सब डाल देंगे इसमें। इस तरह पकने देंगे, फिर पलटी करेंगे इसको अच्छे से। चलिए इसको पलटी कर देते हैं, 2 मिनट हो चुका है। तो अच्छे से पलटी करेंगे, फिर इस तरह और पकने देंगे। चलिए हो गया, इसको निकाल लेते हैं। फिर निकल गए हैं। अभी ये मिर्ची मोटी वाली मिर्ची है, वो फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए बटाटा रख रही हूँ, बटाटे की भुजिया बना लेते हैं। बच्चे लोग खाते हैं, इसके लिए बना ले रही थोड़ा सा। पलटी कर देंगे, ये देखिए एक तरफ हो चुका है। पूरे को पलटी कर देंगे, पकने देंगे। ये भी तैयार हो गया है, इसको बर्तन में निकाल लेते। चलिए देखिए भुजिया तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगे, अल्लाह हाफिज़।